एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश की मेन वर्ब्स जो होती है उसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 न्यू इंग्लिश की मेन वर्ब्स बताऊंगी। फर्स्ट फॉर्म भी हम देखेंगे, हिंदी का अर्थ भी देखेंगे, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी हम सीखेंगे। फर्स्ट मेन वर्ब इज मौन। मौन ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। मौन इसका हिंदी में अर्थ होता है विलाप करना या शोक करना। विलाप करना या शोक करना, फर्स्ट फॉर्म मौन है। अब इसी स्पेलिंग में अगर आप लास्ट में एन के बाद ईडी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी मौंड। मौंड सेकेंड वर्ब इज परस्यूएड। परस्यूएड इसका हिंदी में अर्थ होता है राजी करना या फिर सहमत करना। किसी को भी आप अगर किसी भी बात के लिए मनाते हैं, राजी करते हैं, तब आप इस वर्ब का यूज़ करें, परसुएड का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जो स्पेलिंग आपको सामने दिख रही है स्क्रीन पर, लास्ट में जो ई है उसके बाद अगर आप केवल डी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे डी को, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी परसुएडेड। परसुएडेड नेक्स्ट वर्ब इज प्रिवेंट। प्रिवेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है बाधा डालना या रुकावट डालना। कभी भी कोई काम कर रहा है और कोई व्यक्ति उसमें बाधा डालता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तब आप इस वर्ब का यूज़ करेंगे प्रिवेंट का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो प्रिवेंट है, लास्ट में जो टी है उसके आगे आपको ईडी ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड वर्ब इज रेज। रेज इसका हिंदी में अर्थ होता है क्रोध करना या गुस्सा करना। बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं, तब इस वर्ब का यूज़ किया जाता है रेज का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर आपको बनानी है, और बनानी ही पड़ती है टेंस में और बहुत सारी जगह यूज़ होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट में ई आ रहा है, आर ए जी ई, लास्ट में जो ई है उसमें आप डी ऐड कर दें, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेज्ड। रेज्ड लास्ट वर्ब ऑफ दिस वीडियो इज रिलीव। रिलीव इसका हिंदी में अर्थ होता है राहत देना या फिर सहायता देना। इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। तो ये रिलीव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड और थर्ड बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ब रेगुलर वर्ब है और इसमें सेकेंड और थर्ड सेम फॉर्म होगी। तो जो लास्ट का ई है स्पेलिंग में, उसके आगे आपको डी जोड़ना है। तो एक और आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म इजीली याद हो जाएगी, रिलीव्ड। रिलीव्ड सभी मेन वर्ब्स का उपयोग आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर करें, इनको नोट भी करके रखें। और आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।